नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। रोज की तरह आज भी आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूं। कल बहुत सारे लोग परेशान रहे कि सर करंट अफेयर्स क्यों नहीं आया, तो भाई एक बार फिर से जान लीजिए, करंट अफेयर्स एक दिन नहीं आता है, वो होता है मंडे। मंगलवार से लेकर रविवार तक आपका डेली करंट अफेयर्स आपको रोज सुबह 5 बजे मिलेगा। चलिए आज के करंट अफेयर्स की बात करें तो आज के करंट अफेयर्स में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अभी हाल ही में रॉकफेलर फाउंडेशन ने किस भारतीय एनजीओ को इस बार का फूड सिस्टम विजन पुरस्कार प्रदान किया है। क्या होता है ये फूड सिस्टम विजन पुरस्कार और 2050 क्यों लिखा हुआ है, रॉकफेलर फाउंडेशन कौन है और ये क्यों पुरस्कार दे रही है, क्या इसकी महत्वाकांक्षा है, सभी बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं, एक इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ चलते हैं। पहली जानकारी आपकी जो स्क्रीन पर है वो है कि फूड सिस्टम विजन 2050 यानी कि 2050 का ये पुरस्कार है। एक्चुअल में रॉकफेलर फाउंडेशन जो है ये न्यूयॉर्क पे स्थित एक फाउंडेशन है जिसका मोटिव है कि इस समय विश्व जो तीन बड़ी समस्याओं से गुजर रहा है, एक वो कि पूरे विश्व की आबादी लगातार बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसको किसी तरीके से रोक लगाया जाए, हमारे जो संसाधन है उनका हम प्रॉपर तरीके से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा यह है कि धीरे धीरे हमारे पास खेती योग्य जो भूमि है वो कमी होती चली जा रही है। तो ऐसे में रॉकफेलर फाउंडेशन एक बड़ी पुरस्कार राशि $2,00,000 की पुरस्कार राशि एक ऐसे संगठन को प्रदान करता है। ये पुरस्कार पिछले साल ही शुरू हुआ 2019 से और ये एक ऐसे पुरस्कार एक ऐसे संगठन को ये प्रदान करता है जो इस दशा में यानी कि किसी तरीके से एग्रीकल्चर के मामले में अच्छा काम करते हैं और हमारे खाने को इस तरीके से संरक्षित करते हैं कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट फार्मर को हो, उसके बाद एक अच्छी क्वालिटी कंज्यूमर को मिले और पर्यावरण का सबसे कम नुकसान हो। आइए पढ़ते हैं। हाल ही में रॉकफेलर फाउंडेशन ने न्यूयॉर्क में घोषित फूड सिस्टम विजन 2050 पुरस्कार के लिए दुनिया के टॉप 10 विजनरीज में से एक के रूप में एक हैदराबाद स्थित गैर लाभकारी संगठन नंदी फाउंडेशन को चुना है। इस पुरस्कार के रूप में नंदी फाउंडेशन को $2,00,000 की राशि पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। नंदी फाउंडेशन को यह पुरस्कार अराकू, वर्धा और नई दिल्ली के क्षेत्रों में अराकूनॉमिक्स मॉडल की सफलता के लिए प्रदान किया गया है। अराकू की बात करें तो ये घाटी आपने नाम सुना होगा अराकू घाटी का, तो वहाँ पे जो ट्राइबल लोग हैं, जो जनजातीय लोग हैं, उनको इस फाउंडेशन ने इकट्ठा किया और उनसे कल्टीवेशन कराया और एक वर्ल्ड क्लास कॉफ़ी वहाँ से निकली। पूरी दुनिया में वो कॉफ़ी जो है अराकू की कॉफ़ी फेमस हो गई और उसके पीछे पूरा श्रेय नंदी को जाता है, नंदी फाउंडेशन को जाता है जो 20 वर्षों से लगातार उनके साथ काम कर रहे हैं। नंदी फाउंडेशन पिछले लगभग 20 वर्षों से अराकूनॉमिक्स मॉडल के आधार पर अराकू में आदिवासी किसानों के साथ काम कर रहा है। यह एक नया एकीकृत आर्थिक मॉडल है जो पुनर्योजी कृषि यानी कि रीजनरेटिव एग्रीकल्चर का मतलब यह होता है कि कभी कभी भूमि का इस तरीके से प्रयोग करना कि वापस जब फसल लगाई जाए तो भूमि की उपलब्धता या उपजाऊपन कम ना हो बल्कि और बढ़ जाए, और इसी इकोनॉमिक्स मॉडल को, क्योंकि वो अराकू से शुरू हुआ इसलिए अराकूनॉमिक्स कहा गया है। थोड़ा सा और डिटेल में ले चलता हूं आपको। फूड सिस्टम विजन प्राइस क्या है, सबसे पहले तो ये 2019 में यूएसए बेस्ड यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका पर आधारित द रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई थी। जिनको अंग्रेजी में नहीं पढ़ना है वो टेंशन ना लें, सिर्फ और सिर्फ मेरी बात को ध्यान से सुन लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। फूड सिस्टम प्राइज कौन दे रहा है, द रॉकफेलर फाउंडेशन, इसकी स्थापना 2019 में की गई थी और इसका जो ग्लोबल है पूरा डेवलप करना है ताकि रीजनरेटिव और नर्सिंग फूड सिस्टम दैट दे एस्पायर टू क्रिएट बाय द ईयर 2050, कि हम जो एजेंडा लेकर चल रहे हैं, ये लोग जो एजेंडा लेकर चल रहे हैं उसके जरिए 2050 तक सभी जगह ये अराकूनॉमिक्स वाली जैसी कृषि है उसको डेवलप किया जा सके। फूड सिस्टम के पीछे जो एड्रेस है उसके पीछे 6 इंटरकनेक्टेड थीम्स रखी गई हैं। इसमें इन्वायरमेंट को लाभ पहुंचना चाहिए यानी पर्यावरण को लाभ पहुंचना चाहिए, डाइट्स अच्छी होनी चाहिए यानी कि अच्छा भोजन प्राप्त हो, अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, संस्कृति आगे बढ़े, टेक्नोलॉजी आगे बढ़े और पॉलिसी, उसके लिए नीतियाँ बनाई जाती हैं। जबकि नंदू फाउंडेशन की बात करें, अराकूनॉमिक्स की बात करें, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अराकूनॉमिक्स नाम का एक मॉडल चला रहा है और ये अराकू जो है, अराकू घाटी आपके आंध्र प्रदेश में मिलेगी। ये मॉडल 3 जगह चल रहा है, अराकू में, आंध्र प्रदेश में, वर्धा महाराष्ट्र में और न्यू दिल्ली में,
ताकि जो 2050 का फूड विजन है रॉकफेलर फाउंडेशन का उसे पाया जा सके। इन्होंने एबीसीडी ईएफजीएच करके फ्रेमवर्क बनाए, 8 फ्रेमवर्क है। इस फ्रेमवर्क में ए से है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, बी से है बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, उसको मिलाया, कंपोस्ट सी फॉर कंपोस्ट, डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग यानी कि किसी तरीके से ऐसे डिसीजन बनाना कि उसमें सिर्फ एक विचारधारा पर केंद्रित नहीं रहना है, अलग अलग विचारधाराओं को अपनाना। एंटरप्रेनर यानी कि जो किसान है उन्हें एक प्रशासी की तरह या एक बिजनेस मैन की तरीके डेवलप करना, फैमिलीज परिवारों को बचाना, ग्लोबल मार्केट तक उनकी पहुंच को ले जाना, और हेड स्टैंड्स यानी कि इंप्लाइंग इनोवेशन और नए नए विचारों का स्वागत करता, नए नए आविष्कार करते चले जाना। अराकोनॉमिक्स एक नया इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक मॉडल है जो मैक्सिमम प्रॉफिट इंश्योर करता है फार्मर्स के लिए, क्वालिटी इंश्योर करता है कंज्यूमर के लिए, और थ्रू रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर का मतलब मैंने आपको अभी अभी समझाया कि ऐसा उपयोग करना भूमि का, ऐसा उपयोग करना कि दोबारा से उस भूमि पर नई फसल लगाई जा सके, नए तरीके से उसको डेवलप किया जा सके। तो अराकोनॉमिक्स मॉडल नंदी फाउंडेशन रॉकफेलर द्वारा मिला है $2,00,000 का पुरस्कार। अंततोगत्ता यही आपको याद रखना है। अगली जानकारी पर चलते हैं। तो ITER के बारे में आपने सुना होगा, ITER यानी कि अंतरराष्ट्रीय थर्मो न्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर संगठन। ये जो है ये आपका एक तरह से एक्सपेरिमेंटल मॉडल है जो फ्रांस में चलाया जा रहा है। 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी, और 2007 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इसका पूरा का पूरा जो मेन उद्देश्य था वो ये था, इसकी मतलब इसके बनने की शुरुआत हुई थी, इसका मेन उद्देश्य ये है कि ये चेक करना कि जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जो सितारों में होती है जिसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर हीलियम का एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, क्या उस तरह की ऊर्जा हम यहां पर प्राप्त कर सकते हैं। अगर उस तरह की ऊर्जा हम यहां पर प्राप्त कर सकते हैं, एक तरह से आप समझ लीजिए कि हम लोग यहां पर पृथ्वी पर फ्रांस में एक नया स्टार डेवलप कर रहे हैं। इस योजना का नाम कृत्रिम सूर्य भी है। तो हाल फिलहाल अभी हाल ही में इनकी बैठक हुई, और आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही लार्सन एंड टुब्रो ने इसके लिए फ्रीजर भेजा था, यानी कि डीप फ्रीजर एक बड़ा सा कंटेनर भेजा था। तो हाल फिलहाल अंतरराष्ट्रीय थर्मो न्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर संगठन के सत्र का आयोजन फ्रांस में अभी हाल ही में किया गया। इस आयोजन का उद्घाटन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन? इमैनुअल मैक्रो ने। इस सत्र में दुनिया भर के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने हिस्सा लिया था। इसका उद्देश्य व्यवसायिक उपयोग के लिए फ्यूजन से ऊर्जा तैयार करने की संभावना तलाशना है कि किस तरीके से इससे जो ऊर्जा प्राप्त होगी हम उसे किस तरीके से अपने पास प्रयोग कर पाएंगे, क्योंकि ऊर्जा बनाना तो एक बार आसान है लेकिन उस ऊर्जा को किसी दूसरे रूप में परिवर्तित कर उसको संरक्षित करना एक बड़ी बात है, क्योंकि जब नाभिक से ऊर्जा निकलेगी तो वो अचानक से निकलेगी और हो सकता है कि काफी समय तक ये क्रिया चलती रहे, तो वो जो ऊर्जा निकल रही होगी उसको संभालना एक अपने आप में बड़ी बात है। तो यह ऊर्जा की कमी से समस्या से निपटने के लिए भारत सहित विश्व के कई राष्ट्रों द्वारा चलाया गया एक अनुसंधान परियोजना है। ये एक व्यावसायिक परियोजना नहीं है, अभी ये रिसर्च फेज में है। ये सफल हो जाएगा तो इस तरीके के बहुत सारे रिएक्टर बनाए जाएंगे। यह अनुसंधान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सहयोग से संलयन नाभिकीय प्रक्रिया पर यानी कि न्यूक्लियर फिजन पर संबंध जुड़ा हुआ है। यह हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पर आधारित है। नाभिकीय परियोजना को प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया है। इसके नाभिकीय संलयन से उसी प्रकार से ऊर्जा प्राप्त होगी जैसे पृथ्वी को सूर्य अन्य तारों से मिलती है। ITER परियोजना के सदस्य देश, इस परियोजना के भागीदार यूरोपियन यूनियन, जापान, चीन, रूस, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका है। भारत आधिकारिक रूप से इस परियोजना में 6 दिसंबर को शामिल हुआ था 2005 में। अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक संयंत्र यानी इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ऊर्जा की कमी की समस्या से निपटने के लिए भारत सहित विश्व के कई राष्ट्रों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सहयोग से मिलकर बनाया जा रहा संलयन अभिक्रिया पर आधारित एक ऐसा विशाल रिएक्टर है जो कम ईंधन की सहायता से अपार ऊर्जा उत्पन्न करेगा। परियोजना के निदेशक जर्मनी के नोबोर्ड होल्टकॉम्प है। इस परियोजना को कृत्रिम सूर्य नाम भी दिया गया है। ITER की योजना में 1985 में यूरोप, अमेरिका, तत्कालीन सोवियत संघ और जापान के सहयोग से शुरू की गई थी। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस इस परियोजना का भागीदार बन गया। वर्ष 1999 में अमेरिका इस अभियान से हट गया था लेकिन 2003 में वह पुनः इस अभियान में शामिल हुआ। भारत आधिकारिक रूप से इस परियोजना में 6 दिसंबर 2005 को शामिल हुआ था। भारत को इस परियोजना में शामिल करने के बाद दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी में इस परियोजना में लगी हुई है। भारत इस एक्सपेरिमेंट में 2005 में जुड़ा था, तब लार्सन एंड टुब्रो हैवी इंजीनियरिंग ने 4,000 टन की स्टेनलेस स्टील से बनी एक क्रायोस्टेट लेड तैयार की है। क्रायोस्टेट को अभी हाल ही में वहां फ्रांस रवाना कर दिया गया था। और इसके अलावा भारत अपर लोअर सिलेंडर्स, शील्डिंग, कूलिंग सिस्टम, क्रायोजेनिक सिस्टम, हीटिंग सिस्टम भी बना रहा है।
क्रायोस्टेट 30 मीटर ऊंचा और 30 मीटर डायमीटर का एक सिलेंडर है जो विशाल फ्रिज की तरह काम करेगा और फ्यूजन रिएक्टर को ठंडा करने का काम करेगा। यह दुनिया में अपनी तरह का अब तक का सबसे बड़ा विशाल वेसल है। इतना बड़ा बर्तन आज तक कभी नहीं बनाया गया। एलएनटी के अलावा भारत की 200 कंपनियां और 107 वैज्ञानिक प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि जब हाइड्रोजन के दो नाभिकों को 13 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखा जाएगा तो ऐसे में वो गतिशीलता हासिल कर लेंगे, यानी कि मूव करने लगेंगे, और जब वो मूव करेंगे तो आपस में टकराएंगे। कई बार टक्कर के बाद एक ऐसा परिस्थिति आएगी जब उनके दोनों के नाभिक हीलियम नाभिक में परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे ही हीलियम नाभिक में परिवर्तित होंगे एक अपार ऊर्जा निकलेगी। इसके द्वारा अंदाजा लगाया जा रहा है इससे जो ऊर्जा बनेगी वो पूरी तरह स्वच्छ होगी, मानव के लिए लाभकारी होगी, उससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। 1 किलोग्राम ईंधन से 1 करोड़ टन पेट्रोलियम ईंधन के बराबर ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, ऐसा वैज्ञानिकों का आंकड़ा है। तो ITER का अभी हाल ही में स्थापना हुई, और इसकी बात करें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सहयोग से इसे बनाया जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी एक स्वायत्त विश्व संस्था है। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है, और इसके अभी हाल ही में हेड बनाए गए हैं राफेल मारियानो ग्रासी, जो कि पुर्तगाल से आते हैं। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 को हुई थी। वर्तमान समय में 171 देश जो है वो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सदस्य हैं। अगली जानकारी है रिलायंस। अगेन ऐसा लग रहा है कि रिलायंस लगातार एक पे एक अगले पायदान पर चढ़ती चली जा रही है। रिलायंस का अगर कैपिटल की बात करें तो इस समय भारत में सबसे ज्यादा है, और भारत की शायद अकेली ऐसी कंपनी है जो पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो चुकी है। लेकिन अभी एक और सितारा उसकी वर्दी पे जोड़ना बाकी था, यानी कि एक और नायाब जो चीजें थी उनके साथ होनी बाकी थी, और अभी हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड बनकर निकला है रिलायंस। नंबर एक पर एप्पल है, और रिलायंस ने जब ये इंडेक्स जारी हुआ तो उसके बाद ये पूरा का पूरा श्रेय अंबानी जी को दिया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि पिछले एक साल से रिलायंस ने जिस तरीके से अपने आप को बढ़ाया है और जिस तरीके से वो छोटी से लेकर बड़ी चीज़ें बना रही है, ऐसे में वो भारतीयों के लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन बनकर निकली है। तो उद्योगपति मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्यूचर बॉन्ड सूचकांक 2020 में एप्पल के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड हो गया है। फ्यूचर ब्रांड सूचकांक हर साल जारी किया जाता है, और ये बताता है कि दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड कौन है। सबसे बड़ा ब्रांड का मतलब ये हो गया कि कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं एप्पल के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड है। रिलायंस इंडस्ट्री रिफाइनरी, खुदरा और दूरसंचार क्षेत्र में काम करने वाली प्रमुख कंपनी है। रिपोर्ट में रिलायंस के बारे में कहा गया कि यह भारत की सबसे अधिक लाभ कमाने वाली कंपनियों में से एक है। यह पिछले 6 साल से यह सूचकांक पेश कर रही है। उसने कहा कि रिलायंस की सफलता का श्रेय अंबानी को दिया जाना चाहिए। उन्होंने कंपनी को भारतीयों के लिए एक मेगा स्टोर की तरह वन स्टॉप दुकान के तौर पर नई पहचान दी है। सूची में एप्पल सबसे ऊपर है, जबकि सैमसंग तीसरे स्थान पर है, और निविडिया जो है चौथे, मोताई पांचवें, नाइकी छठे, माइक्रोसॉफ्ट सातवें, और ASML आपको 8वें स्थान पर, जबकि पेपाल 9वें और नेटफ्लिक्स 10वें स्थान पर चल रही है। ये ब्रांडिंग के ऊपर है। इनका टर्नओवर से मतलब नहीं है, ब्रांडिंग का मतलब होता है कि कितने इनके रिटेल स्टोर हैं, कितने इनके ग्राहक इनसे, कस्टमर इनसे जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से उद्योगपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड है। अगली जानकारी है पाकिस्तान आजकल तुर्की के कुछ ज़्यादा ही करीब होता चला जा रहा है, और ऐसे में एक और घटना घटी जब पाकिस्तान के दोनों देशों के बीच मित्रता को बढ़ावा देने के लिए और अपनी सेवाओं की मान्यता में एक तुर्की सांसद अली शाहिन को देश का प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति श्री आरिफ अलवी ने देश की स्वतंत्रता दिवस पर 14 अगस्त को सितार एक कैद ए आजम पुरस्कार प्रदान करेंगे, और यह पुरस्कार अली शाहिन को मिलेगा। अली शाहिन तुर्की के एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान तुर्की के मैत्री संसदीय समूह के अध्यक्ष भी हैं। तो अली शाहिन को मिला है सितारे कैदरे आजम पुरस्कार पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों पाकिस्तान तुर्की के करीब होता चला जा रहा है? आपको याद होगा कि पिछले साल जब कश्मीर में 370 हटाया गया था तो उसके बाद पाकिस्तान ने कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अपनी बात करने की कोशिश की। ऐसा ही एक संगठन है जिसके ऊपर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा भरोसा था कि वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी वजह से पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं, अगर आप अभी का हाल ही का बयान सुने तो उन्होंने लगातार अभी तक देखा गया है कि किसी भी अरब कंट्री के बारे में पाकिस्तान के विदेश मंत्री या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बोलते नहीं थे, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि उन्होंने UAE के खिलाफ बोलना शुरू किया था।
क्योंकि ये जो संगठन है इस्लामिक सहयोग संगठन, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बात करते हैं, तो ये संगठन पूरी तरीके से यूएई समर्थित है और इसकी जो मुख्यालय है वो जेदा सऊदी अरब में है। फिलहाल 25 सितंबर 1969 को इसका गठन हुआ था, वर्तमान समय में 57 मेंबर स्टेट हैं। और यहाँ से उसको जब सपोर्ट नहीं मिला तो उन्हें लगा कि उन्हें एक ऐसे साथी की तलाश है जो उनके साथ बातचीत कर सके और कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ आ सके। ऐसे में उन्हें तुर्की पे कुछ उम्मीद नजर आ रही है। आजकल तुर्की और पाकिस्तान की नजदीकियां काफी बढ़ती चली जा रही हैं। तुर्की के बारे में बात करें तो तुर्की यूरेशिया का स्थित एक देश है। इसकी राजधानी अंकारा है। इसकी मुख्य और राजभाषा तुर्की भाषा है। ये अकेला ऐसा मुस्लिम बहुमल वाला देश है जो धर्म निरपेक्ष है। यहां पर मतलब कि धर्म निरपेक्षता आपको देखने को मिलेगी। यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। वर्तमान समय में राजधानी अंकारा, मुद्रा टर्किश लीरा और रजब तैयब इर्दोगन वर्तमान समय में तुर्की के राष्ट्रपति हैं। अगर आप इसे मैप में देखा जाए तो ये आपको ब्लैक सी के नीचे नजर आएगा, तुर्की इधर सीरिया नजर आएगा और इधर आपको इस्तांबुल नजर आएगा। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। अगली जानकारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2020 को अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए समुद्र के नीचे बिछी एक ऑप्टिकल फाइबर केबल सुविधा का उद्घाटन किया है। इसे अंडमान निकोबार जो है वो पूरे भारत के साथ तेज इंटरनेट से जुड़ गया। इस केबल के लगने के बाद यहां हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी होगी, जिससे व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। समुद्र के भीतर बिछी यह केबल पोर्ट ब्लेयर को स्वराज द्वीप, जिसे हैवलॉक आइसलैंड भी कहते हैं, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कामोरोता, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगट को भी जोड़ेगा। बता दें कि परियोजना का क्रियान्वयन भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL कर रही है, जबकि टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया TCIL तकनीकी परामर्शदाता थी। इस परियोजना के लिए लगभग 2300 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया गया है, जिस पर करीब 1224 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री ने पोर्ट ब्लेयर में दिसंबर 2019 में रखी थी और यह प्रोजेक्ट तय समय से पूरा हो गया है। एक और बुरी खबर है। बुरी खबर यह है कि मॉरिशस में एक तेल का टैंकर फंस गया है और जो लीक होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से उसका जो ऑयल है वो समुद्र में लीक हो रहा है और मरीन सिस्टम को नुकसान पहुंच रहा है, जिसकी वजह से मॉरिशस ने वहां पर क्लाइमेट इमरजेंसी यानी कि जलवायु आपातकाल घोषित किया है। तो द्वीपीय राष्ट्र मॉरिशस की ओर से पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई है। पर्यावरणीय आपातकाल को एक जापानी बाल्थो कैरियर यानी कि वो डीजल कैरियर था, उसकी वजह से हो रहा है। इसका नाम है MV वाकासियो। मॉरिशस में एक चट्टान पर गिर गया, जिसकी वजह से समुद्र में तेल लीक करना शुरू कर दिया है। 2 हफ्ते से फंसे जहाज में आसपास पानी में कई टन ईंधन का रिसाव हो चुका है। पर्यावरणविदों के अनुसार फंसे हुए जहाज MV वाकासियो को वर्तमान में एक समुद्री पार्क के पास वेटलैंड के क्षेत्र में पॉइंटे डी सनी में पड़े हैं, जो हिंद महासागर द्वीप के चारों ओर पारिस्थितिक आपदा की स्थिति पैदा कर रहा है। लुप्त प्राय प्रवाल मछली और अन्य समुद्री जीवन को भी हानि पहुंच रही है। इस घटना को मॉरिशस में अब तक हुए सबसे भयानक पारिस्थितिकी संकटों में से एक माना जा रहा है। ऐसी ही एक घटना कुछ समय पहले ऑयल लीक की हमें रशिया में देखने को मिली थी। उसे कहा जाता है नोरिल्स्क लीक। उस टाइम अंबरनाया नदी में 20,000 टन डीजल बह गया था और ये नॉरलिस की एक कंपनी थी जो वहां पर पावर जनरेशन का काम करती है। उसके टैंकर में ईंधन भरा था, उसका एक पिलर धसने की वजह से ये पूरा टैंकर लीक कर गया था। तो रशिया में भी ये घटना 9 जून के आसपास हुई थी और इसमें अंबरनाया नदी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। मॉरिशस की बात करें तो मॉरिशस आपको मेडागास्कर के पास दिख जाएगा, लक्षद्वीप के थोड़ा सा नीचे आएंगे तो वहां पर मिल जाएगा। राजधानी इसकी है पोर्ट लुइस। प्रधानमंत्री है प्रवीण जुगनाथ और मॉरिशियाई रुपया यहां पर चलता है और ये अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है, ये याद रखिएगा। मॉरिशस अफ्रीका महाद्वीप में है। दूसरा पॉइंट ये है कि प्रवीण जुगन्नाथ के साथ अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर एक सर्वोच्च न्यायालय भवन का उद्घाटन किया था। ये भी हाल ही में न्यूज थी। अगली जानकारी तक चले तो राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8 अगस्त 2020 को राजघाट के निकट राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है। महात्मा गांधी को समर्पित किए गए इस केंद्र में लोगों को स्वच्छ भारत मिशन की सफलता और स्वच्छता के फायदों में बताया गया। महात्मा गांधी को समर्पित राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की प्रधानमंत्री ने सबसे पहले घोषणा 10 अप्रैल 2017 को महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी जी का अभियान था अंग्रेजों भारत छोड़ो और अब हम लोग एक अभियान चलाएंगे गंदगी भारत छोड़ो, देश को कमजोर बनाने वाली बुराइयां भारत छोड़े, इससे अच्छा और क्या होगा। इसी सोच के साथ पिछले 6 वर्षों से देश में एक व्यापक भारत छोड़ो अभियान चल रहा है।
यह अभियान 8 अगस्त से शुरू हुआ था और यह अभियान 15 अगस्त तक अब चलाया जाएगा और सभी जगह गंदगियों को दूर किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने बच्चों से आह्वान किया है कि वो बड़ों को रोक रोक के या टोक टोक के समझाइए कि वो गंदगी ना फैलाएं और कहीं गंदगी है तो उसे साफ करते रहें। तो राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया गया है राजघाट। राजघाट महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल है। अब बारी है आज हमारे न्यूज फटाफट। अभी हाल ही में 78वां जो है वो दिवस मनाया गया क्विट इंडिया मूवमेंट का, भारत छोड़ो आंदोलन का। हमारे देश स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में पहचाना जाने वाला अगस्त क्रांति दिन, जिसे अंग्रेजों भारत छोड़ो या भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ 8 अगस्त 2020 को पूरे देश में मनाई गई। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को ब्रिटिश शासन को समाप्त करने और अंग्रेजों को देश के भगाने का आह्वान और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में दिए गए अपने भारत छोड़ो भाषण में करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा कहां से दिया गया था? ग्वालियर टैंक मैदान से। अगली जानकारी है एक और इंटरनेशनल डे वर्ड्स इंडिजिनियस पीपुल इज ऑब्जर्व ऑन 9 अगस्त। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 9 अगस्त को विश्व भर में स्वदेशी लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन स्वदेशी लोगों को जरूरतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व भर में स्वदेशी लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 का विषय रहा COVID-19 एंड इंडिजिनियस पीपुल रेजिलियंस। अब बारी है आज के वनलाइनर की। महात्मा जी का अभियान था अंग्रेजों भारत छोड़ो और प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हम लोग किस अभियान को चलाएंगे, वो होगा गंदगी भारत छोड़ो। रॉकफेलर फाउंडेशन ने फूड सिस्टम विजन 2050 पुरस्कार के लिए दुनिया के टॉप 10 विजनरीज में से एक के रूप में हैदराबाद स्थित गैर लाभकारी संगठन को चुना है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है नंदी फाउंडेशन अराकुनॉमिक्स। अंतर्राष्ट्रीय थर्मो न्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर संगठन का सत्र का आयोजन किस देश के राष्ट्रपति ने किया था? उद्घाटन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। उद्योगपति मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्री फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स में कौन से नंबर पर आई है? सेकंड नंबर पर। और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच मित्रता को बढ़ावा देने के लिए अपनी सेवाओं की मान्यता में किस देश के सांसद को देश के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो वो है टर्की के अली साहिन। हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए समुद्र के नीचे बिछी ऑप्टिकल फाइबर केबल दुनिया की सुविधा का उद्घाटन किया गया। इस परियोजना का क्रियान्वयन किसने किया है? BSNL ने TCIL के साथ। तेल लीक होने के कारण हाल ही में द्वीपीय राष्ट्र मॉरिशस की ओर से पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की गई है। और हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में पहचाना जाने वाला भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ 8 अगस्त 2020 मनाई गई। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल विश्व भर के स्वदेशी लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 9 अगस्त को। थीम क्या रही? COVID-19 एंड इंडिजिनियस पीपुल रेजिलियंस। महात्मा गांधी जी का अभियान था अंग्रेजों भारत छोड़ो। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हम लोग कौन सा अभियान कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं गंदगी भारत छोड़ो। बेहद सिंपल तरीके से पढ़ना होता है आपको, ज्यादा परेशान नहीं होना होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको परेशानी महसूस होगी। जितना चल रहा है डेली का न्यूज है, आप उतना कवर करते चलो, बाकी दैट्स इट। आपको और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। रॉकफेलर फाउंडेशन ने फूड सिस्टम विजन 2050 पुरस्कार के लिए दुनिया के टॉप 10 विजनरीज में से एक के रूप में हैदराबाद स्थित गैर लाभकारी संगठन को चुना है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है नंदी फाउंडेशन। एंड अंतर्राष्ट्रीय थर्मो न्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर संगठन के सत्र में आयोजित उद्घाटन किस राष्ट्रपति ने किया था? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने। उद्योगपति मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्री फ्यूचर ब्रांड 2020 में सबसे बड़ा ब्रांड निकल के निकली है, तो कौन से नंबर का ब्रांड निकली है? वो सेकेंड नंबर का ब्रांड। एक नंबर पे कौन है? एप्पल। पाकिस्तान दोनों देशों के बीच मित्रता बढ़ावा देने के लिए अपनी सेवाओं की मान्यता में किस देश के सांसद को देश के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित करने जा रहा है 14 अगस्त को? तो वह है टर्की के अली साहिब। हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए समुद्र के नीचे बिछी ऑप्टिकल फाइबर केबल सुविधा का उद्घाटन किया गया। इसका क्रियान्वयन किसने किया है? BSNL ने। 2300 किलोमीटर की केप्ट ऑप्टिकल फाइबर थी। और तेल लीक होने के कारण हाल ही में द्वीपीय राष्ट्र की ओर से पर्यावरणीय आपातकाल स्थिति किसने घोषणा की है? तो वो है द्वीपीय राष्ट्र मॉरिशस ने घोषणा की। मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस। भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ अभी हाल ही में 8 अगस्त को मनाई गई? तो वो थी 78। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? हर साल ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये करंट अफेयर्स पसंद आए होंगे। वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।